दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइम के बारे में सवाल सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि घंटे को मिनट में बदलना कैसे बदला जाता है, ये क्या है हमारा आज का सवाल है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए 5 आवर्स है, इसको मैं इसको मिनट में बदलना है। ये क्या 12 घंटे हैं, जिसको 12 आवर्स इंग्लिश में बोला जाता है, इसको मैं मिनट में बदलना है। उसके बाद देखिए 3 घंटा और 10 मिनट, इसको पूरे को हमें बदलना है मिनट में। फिर 10 घंटे 25 मिनट, इसको मिनट में बदलना है। फिर 24 घंटे है, इसको मिनट में बदलना है। तो कैसे बदला जाता है, क्या है तरीका, वही आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो समझते हैं। तो एक घंटा जिसको आवर्स बोला जाता है, इसमें होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं 60 मिनट, जिसको शॉर्टकट में 60 AM से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 5 आवर्स को बदलना है मिनट में। तो क्या करेंगे, 5 गुणा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करेंगे, इस घंटे को बदलने के लिए इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मिनट, एम से मतलब हो गया मिनट, क्योंकि मिनट को इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि MINUTE इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में एम से हम लिख सकते हैं। तो 5 घंटे को बदलना है मिनट में, क्या करें, 5 गुणे 60 क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 10 यहाँ मिल जाएगा, यानी 300 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 12 आवर्स है, इसको हमें बदलना है मिनट में। तो क्या करेंगे, 12 गुणा 60 AM यानी कि मिनट, क्या होगा, 12 × 60 × 6 = 72, यानी 720 मिनट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये इन दोनों से अलग है, क्या है, 3 घंटा 10 मिनट, इसमें 2 चीज़ दिया है, घंटा भी दिया है मिनट भी दिया है, लेकिन पूरे को हमें मिनट बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले देखो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 3 आवर + 10 मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे को बदलना है मिनट, क्या करेंगे, 3 गुणा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, करेंगे 60 + 10 मिनट, यह होगा इतना और यह हो गया इतना, तो क्या होगा, ये 36 18 यानी कि 180 मिनट + 10 मिनट, ये कितना हो जाएगा पूरा, 180 + 10 190 मिनट, कितना हो जाएगा, 190 मिनट। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, 190 मिनट, यानी 3 घंटा 10 मिनट में क्या होता है, 190 मिनट होता है, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको बदला है। इसी तरीके से ये वाला भी बदला जाएगा 10 घंटे 25 मिनट को। तो कैसे, चलिए बदलते हैं, इसको लिख लेते हैं दो हिस्से में, 10 घंटे + 25 मिनट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 गुणा 1 घंटा 60 मिनट, करेंगे यहाँ पर 60 AM + 25 मिनट, गुणा करेंगे 10 × 60 यानी 600 मिनट + 25 मिनट, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 600 + 25, तो हो जाएगा हमारा 625 मिनट हो गया, यानी कि 10 घंटे 25 मिनट में 625 मिनट होते हैं। इसी तरीके से आप ये 24 घंटों भी बदल सकते हैं, क्या करेंगे, 24 × 60 कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ घंटे हैं, तो क्या करेंगे, 24 × 60 AM करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 × 60 बराबर 6 × 24 = 4 + 2 = 12 = 14, 10 लगा देंगे, 1440 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है, सिर्फ उसमें 60 से गुणा करना है, उसमें आज वहाँ घंटा होगा मिनट में बदल जाएगा। अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो इसमें इसको 2 हिस्से में कर लीजिएगा और इसको ऐसे कर आप निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।